आसन को वो निर्देशित कर रहे थे, जबकि आसन निर्देशित करता है सदन को। पता नहीं कि आज सरकार को क्या हो गया है, आज लगता है मुख्यमंत्री सठिया गए हैं और उम्र का भी प्रभाव पड़ा है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश और बिहार को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजले उजले बाल और उज्जर उज्जर दाढ़ी वालों ने। सदन के नेता मुख्यमंत्री होते हैं और वहीं विधानसभा के अध्यक्ष, दोनों के बीच में अगर टकराहट हो जाए तो फिर क्या होगा। हमारे साथ हैं भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं और कई सालों से आप सदन में रहे हैं विधायक के रूप में। ये जो स्थिति देखी आपने, क्या आपने पहले कभी देखा था और क्या वजह लगता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी घटना घटी है हम लोगों ने टीवी के माध्यम से और यूट्यूब के मामले ये देखा है हमने यूट्यूब पर। और चूंकि आज नॉमिनेशन था पटना जिला का हमारे उम्मीदवार कार्तिक कुमार जी का, तो उसमें देखा था 12 बहुत ही तमतमाकर और नियमन दे रहे थे। सदन के कस्टोडियन होते हैं विधानसभा अध्यक्ष और कुर्सी को वो, आसन को वो निर्देशित कर रहे थे, जबकि आसन निर्देशित करता है सदन को। पता नहीं कि आज सरकार को क्या हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री का को लगता है कि कहीं न कहीं से कहीं होगा ये अनाप शनाप बोलने का। आज लगता है मुख्यमंत्री सठिया गए हैं और उम्र का भी प्रभाव पड़ा है और चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं कि बाढ़ को जिला बना देंगे तो ये कर देंगे। चुनाव में ऐसा होता है क्या कि चुनाव के चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है? सठियाना क्या होता है? अब सठियाना क्या होता है, हम लोग देहाती आदमी हैं, जो लोग भी नियम से इधर उधर चलता है उसको लग कहता है कि सठिया गए हैं। तो ये नियम से बड़े काम उन्होंने किया है और आसन को निर्देशित कर रहे थे। आसन नियम से चलता है और आसन का ही निर्देश होता है सदन में, और ये माननीय मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे थे आसन को। सवाल ये उठता है कि नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे थे कि संविधान से चलता है और संविधान को देखिए, एक तरह से उन्होंने अध्यक्ष को संविधान का पाठ पढ़ा। राज्य में संविधान पर कोई काम हो रहा है क्या? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश और बिहार को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजले उजले बाल और उज्जर उज्जर दाढ़ी वालों ने। चलिए भाई वीरेंद्र को आपने सुना कि कैसे कह रहे हैं कि ये जो विधानसभा के अंदर में जो कुछ भी हुआ है उस पर दरअसल मुख्यमंत्री पर उम्र का प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इसके पहले तेजस्वी भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना।